नाउ कम्युनिकेशन, टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अब ले लेते हैं कम्युनिकेशन, ये भी एक सर्विस का ही पार्ट है। कम्युनिकेशंस अपन वर्ड्स में मैसेज में भेजते हैं, आइडियाज भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। प्रीवियस टाइम से अपन कम्युनिकेशंस कर रहे हैं एक कंट्री का दूसरे से, वन रीजन टू अनदर रीजन, डिफरेंट टाइप के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। पहले पिजन्स इस्तेमाल करते थे, स्मोक सिस्टम इस्तेमाल करते थे, ड्रम सिस्टम इस्तेमाल करते थे, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम। लेकिन आर्ट का ठीक है, अगर अपन को कोई ऑर्डर लगाना है किसी भी चीज़ के लिए तो कम्युनिकेशन, जैसे आप अमेजोन से सामान मंगाते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही तो करते हैं आप सबसे पहले उनके साथ में। अच्छा, कम्युनिकेशंस को अपन ने टू टाइप्स में बांट रखा है, पर्सनल हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब एक वन पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में कैसे कम्युनिकेट होगा, प्रीवियस ईयर्स में बताया कैसे होता है, और आज की तारीख में आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप उसके जरिए आसानी से दूसरे लोगों के साथ में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशंस का ही एक पार्ट आ गया टेली कम्युनिकेशंस। टेली कम्युनिकेशंस भी टू टाइप्स के हो गए, पर्सनल और मास। पर्सनल में आपके टेलीफोन आ गए, मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट आ गए, सॉरी ईमेल्स आ गए, और मास के अंदर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, ये आपके टेली कम्युनिकेशंस के अंदर आ गए। नाउ अनदर टॉपिक इज सर्विसेज। सर्विसेज डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सर्विस क्लास के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो सर्विस होता है, एक आपको प्लम्बर भी सर्विस दे रहा है, एक गार्डनर भी सर्विस दे रहा है, एक मेड है घर में, ये भी आपको सर्विसेज दे रही है। तो जो ठीक है, इसके अलावा अब सर्विस जो है वाइड लेवल के ऊपर यूज की जाती है। एक डैम बन रहा है तो उसमें सर्विस लेबर क्लास दे रहा है, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रिजेस हो रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के आजकल सर्विसेज वगैरह होने लगी। तो कुछ लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं और कुछ हाई ऑर्डर सर्विसेज होती हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे अकाउंटेंट वगैरह, फिजिशियंस वगैरह हो गए। अच्छा, सर्विस क्लास में ही आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया, टेली कम्युनिकेशंस आ गया, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई भी आपकी एक प्रकार की सर्विसेज ही है। अच्छा, सर्विसेज जो हैं ये रीजन टू रीजन या एरिया टू एरिया भी अलग होती हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स सिस्टम हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ये मोस्टली अब कहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे मार्केट किसी भी टाउन में या सिटी में एक मेन मार्केट होता है, मेन मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप की शॉप्स वगैरह मिलती हैं, रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स वगैरह होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशंस जो होती है पर्टिकुलर सिटी की, उसको अपन कहते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, CBD बोलते हैं। एक गोल्फ कोर्स भी आपने सुना होगा, गोल्फ कोर्स में भी सर्विस दी जाती है, लेकिन गोल्फ कोर्स कहाँ होंगे, सिटी के बीच में होंगे या सिटी के बाहर होंगे? नेचुरल बात है सिटी के बाहर होंगे, क्योंकि इसको बहुत बड़ी लैंड की जरूरत होती है जो इजीली अवेलेबल या लो कॉस्ट पर अवेलेबल होती है सिटी के बाहर में भी। अच्छा, पर्सनल सर्विसेज होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया प्लम्बर्स का, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह, ये इसमें क्या होता है, माइग्रेंट पीपल्स होते हैं, ये अपनी सर्विस देने के लिए आते हैं, ये पीपल्स स्किल्स होते हैं और सेमी स्किल्स भी होते हैं। ठीक है, आपने इसका बहुत अच्छा एक जो सर्विस होती है ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी होती हैं।